श्री सुखदेव जी के पास और प्रश्न किया, क्या म्रियमाणस्य यत् कर्तव्यम्? म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? म्रियमाण माने जो मरने वाला। परीक्षित जी केवल अपने लिए प्रश्न नहीं किए, जो केवल अपने लिए करता है वह स्वार्थी कहलाता है। परीक्षित जी हम सभी जीवों पर दया करने के लिए, लोक कल्याण की इच्छा से, अपने कल्याण के साथ लोक कल्याण की भावना से प्रश्न किए कि म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य? नहीं तो वे प्रश्न करते, मैं क्या करूं, मेरा क्या कर्तव्य है? उन्होंने यह नहीं कहा, कहा म्रियमाण व्यक्ति जो मरने वाला है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो न मरने वाला हो, क्यों संसार का नाम ही है संसार, माने संसरति इति संसार। यहाँ पे हर एक सेकंड हर क्षण सरकते जा रहे हैं, हमारा आयु हमसे सरक रहा है, खिसक रहा है। जगत माने गच्छति इति जगत, गच्छति माने वर्तमान प्रयोग, जो हर समय चल रहा है, किसी के लिए नहीं रुक रहा। चाहे हम लाखों प्रयत्न कर ले, जब मौत आएगी हमें जाना ही पड़ेगा। और परीक्षित महाराज का तो यह निश्चित हो गया कि 7 दिन के अंत में ही उनकी मृत्यु होगी, क्योंकि उन्हें अभिशाप मिला। लेकिन हम जो जीव है, हमारा कोई ठीक ठिकाना नहीं, हमारा भी 7 दिन में ही मृत्यु होने वाला है। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, इसके बाहर कोई और दिन नहीं, इन 7 बारों में से कोई एक बार में ही मरना है। लेकिन कब किस क्षण मृत्यु आ जाए कोई नहीं कह सकता। इसलिए श्रीमद् भागवत एक महापुराण सभी के लिए है, संसार के महाकल्याण के लिए है। वह प्रश्न इसमें किया गया और उसी के उत्तर में द्वितीय स्कंध प्रारंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, बरियानेशते प्रश्नः नृपोलो कहतं नृप आत्मविसम्मतः पुंसा श्रोतव्या। सुखदेव जी प्रश्न की प्रशंसा कर रहे हैं, राजन तुमने जो प्रश्न किया कृतो लोक हितम, केवल अपने लिए नहीं किया, संपूर्ण संसार के हित के लिए, कल्याण के लिए यह प्रश्न किया है। आत्मविद सम्मतः, यह जो आत्मविद्ता गण है उनके द्वारा सम्मत है। अब इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं राजन, संसार में मनुष्यों हजार